Wakanda. Thank you. Yeah. जी अपना नाम बताएं और सईद सादात फाउंडेशन जो यहाँ पे अनंतनाग में काम कर रहा है, आप किस जोन से वाबस्ता है और क्या काम किया है आज तक आपने? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये सईद सादात फाउंडेशन का यूनिट शानदस है और आज हम एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं। कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें डायरेक्टली जो अफेक्ट हुए हैं कुछ फैमिली, और उनके लिए खसूसी इमदाद जो है उसका काम हम कर रहे हैं। तो उन फैमिलीज़ में जो हमारे ड्राइवर बरादरान हैं और वेंडर्स हैं और कुछ ज़ीरो इनकम फैमिली जो है उनको भी हमने इसमें शामिल किया है, तो उनके लिए खसूसी जो रिलीफ आया है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम चला रहे हैं। तो इसके लिए हमने अपने इस यूनिट में, यूनिट शांगस में 200 फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया था, उनका डेटा जो है कलेक्ट करके हेड ऑफिस भेज दिया और 200 जो है फूड किट्स हमें मिले हैं। उनमें से 100 फूड किट जो है, बल्कि 95 फूड किट जो है पहले फेज़ में हमने पिछले हफ्ते डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और आज जो है 105 किट जो है दो जगहों पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक तो नवगांव में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और दूसरा इधर शेरपुरा में हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है हमारे वॉलंटियर सईद सादात यूनिट शांगस के इन लोगों तक घर घर जाएंगे और इनके डोर स्टेप पर ये जो है ये किट्स जो है ये आमदनी का जरिया क्या है इस फाउंडेशन को? अच्छा, सईद सादात फाउंडेशन जो है ये तकरीबन पिछले 35 साल से जो है फील्ड में काम कर रही है और बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके साथ वाबस्ता है। तो इसकी फंडिंग जो है या इसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लोग ही है, हम ही है। तो ये जो काम है ज़रूरतमंदों की खिदमत का, जो रिस्पांस होता है कुछ कैटास्ट्रॉफीज़ का जो नेचुरल होती है या मैनमेड कैटास्ट्रॉफीज़ होती है, जैसे ये कोविड जो है इसमें रिस्पांस बहुत उम्दा आया है पिछले 2 साल से इनका, तो लोग देखते हैं और यूँ सामने आ जाते हैं जो मंथली डोनेट करते हैं। तो डोनर्स बहुत ज़्यादा है मंथली डोनेट करने वाले, इसके अलावा सदक़ात ज़कात जो है वो भी जमा होते हैं और ये असल में सोर्स है। तो हम ही इसका सोर्स है और जो इंस्पिरेशन मिल जाती है वो इन्हीं कामों से मिल जाती है कि जब हम ज़रूरतमंदों तक पहुँच जाएँगे तो इंशाल्लाह ये जो है ये सिलसिला आगे भी जाएगा। या साहब, अगला प्रोग्राम क्या होगा आपका? बेसिकली ये जो है ये एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स है इस फाउंडेशन के। जैसे ये एक मिशन है जिस मिशन के साथ हम लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना चाहते हैं। हमारे लोकेलिटी में जैसे शांगस में हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है हेल्पिंग हैंड्स के नाम से, नौगांव में चलता है इस्लामिक रिलीफ कमेटी के नाम से, और इसी तरीके से इन सारे इलाकों में वो प्रेजेंट है और लोकेलिटी जो है उन लोगों तक ये पहुँच रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हमें ज़्यादा जो है डोनेट करने की ज़रूरत होती है और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत होती है, वहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से तो सादात फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं हम कोलैबोरेशन में काम करें लोकल ऑर्गेनाइजेशन। एक आखिरी और मुख्तसर सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इसमें कोई नस्ली, मजहबी या इलाकाई इम्तियाज़ है? एक बहुत बड़ी खसूसियत इस ऑर्गेनाइजेशन की ये है कि ये जो है मेरे ख्याल में इसी मिशन के तहत काम करता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो हर एक जो है ये हर एक के लिए ओपन है, कोई मसलकी, कोई मजहबी, कोई नस्ली कुछ भी यहाँ पर नहीं है। जो सामने आना चाहता है वो काम करना कर सकता है, ठीक है, खलूस के साथ, खलूस होना चाहिए। तो हमारे वॉलंटियर्स जो है इस यूनिट के, ये यूनिट इस साल ही जो है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से शुरू हुआ इस साल अप्रैल से। तो इससे पहले ये एक आइसोलेटेड सूरत में काम कर रहा था लेकिन इस साल ऑर्गेनाइज्ड सूरत में शुरू हुआ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान जो है सामने आ गए, बहुत सारे मेम्बर्स वॉलंटियर्स जो है वो इसमें काम करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी इम्तियाज़ की बात नहीं है, जो सामने आएगा वो काम करेगा। और सेंट्रल जो है इसका यूनिट मलकनाग में, वहाँ से बहुत उमदा हमारे लिए मदद मिलती है। जी, बात करने के लिए